स्वागत है आपका फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। हिजबुल्ला की जंगी तैयारी गाजा में विध्वंस फुल इन फाइनल में वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चार बड़ी खबरें सबसे पहले आपके सामने जहां गाजा में इसराइल के विनाशकारी हमले को लेकर खबर बड़ी है। इसराइल ने गाजा पर विध्वंसक हमला किया है पूरे गाजा में कैसे मचा हुआ है कोहराम एक एक तस्वीर होगी आपके सामने। हिजबुल्ला के साथ आए 1,00,000 विदेशी सैनिक बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्ला ने इसराइल को वार्निंग दी है 1,00,000 विदेशी लड़ाके इसराइल से लड़ने के लिए बताए जा रहे हैं तैयार। वहीं नेटो के 5 देशों में अलर्ट पर अमेरिकी बेस बड़ी खबर यह कि कीव पर रूसी हमले के बाद अब अमेरिका ने नेटो देशों में अपने बेस को कर दिया है अलर्ट और पोलैंड वॉर मोड में कैसे आ चुका है इसको लेकर होगा सवाल। वहीं वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन नेटो वर्सेस रूस चीन क्योंकि कभी भी वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है ऐसा हम नहीं कोई और दावा कर रहा है कौन है वो बताएंगे लेकिन सबसे पहले बात गाजा में विध्वंस की और गाजा में विध्वंस की ये पहली तस्वीर गाजा में हमास के ठिकाने को कैसे किया गया तबाह सुजया इलाके में हमास सेंटर पर बमबारी की ये तस्वीर आईडी ब्लास्ट हमास ठिकाने को किया गया जमींदोज ये हमला इजरायली सैनिक की मौत का बदला है। एक एक कर किस तरीके से हमास के सेंटर्स पर बमबारी को अंजाम दिया गया सुजे इलाके में हमास सेंटर पर हुए इस हमले की तस्वीर जहां देखिए आईडी ब्लास्ट से हमास के ठिकानों को कर दिया गया जमींदोज अब तस्वीर सेंट्रल गाजा में हमास बेस पर तबाही की जहां इजरायली सेना ने हमास बेस को नष्ट करने का दावा किया है हमास के लॉन्च पैड जमींदोज दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए किस तरीके से हमास के ठिकानों हमास के उन बेस को किया जा रहा है टारगेट जो सेंट्रल गाजा में हमास बेस में भारी तबाही की ये तस्वीर आपने देखी इजरायली सेना हमास बेस को नष्ट करने का कर रही है दावा वहीं पहली तस्वीर आईडी के जरिए किए गए ब्लास्ट की तो गाजा में ही हमास के ठिकानों को कैसे हमले के जरिए उड़ा दिया गया ये तस्वीर आपने देखी। अब इसराइल की गाजा पर भीषण बमबारी की भी एक तस्वीर सामने आई जहां हमास के कम्युनिकेशन सेंटर पर हमले का किया जा रहा है दावा देखिए तस्वीर इसके साथ बड़ी खबर यह है कि गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में ही अब तक 38,243 लोगों की मौत हो चुकी है। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए किस तरीके से गाजा में 24 घंटे में 77 फिलिस्तीनियों की मौत का किया जा रहा है दावा और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है गाजा के उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां आईडी के जरिए ब्लास्ट किया गया कम्युनिकेशन सेंटर को टारगेट पर लिया गया और साथ ही हमास के उस बेस पर जो एक सेफ ठिकाना बने हुए थे हमास के लड़ाकों का जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अब वेस्ट बैंक में इसराइल के बड़े हमले को लेकर भी खबर है जहां फिलिस्तीनी लड़ाकों पर ग्रेनेड अटैक की तस्वीर सामने आई है ये रिहायशी इलाके में छिपे थे फिलिस्तीनी लड़ाके देखिए कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया रिहायशी इलाके में छिपे फिलिस्तीनी लड़ाकियों को टारगेट किया गया
इन बड़े हमलों को लेकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, इस वॉर फ्रंट पर कैसे इजराइल अब हमलों को अंजाम दे रहा है, किस स्ट्रैटेजी के तहत अब इन कम्युनिकेशन सेंटर्स के साथ साथ हमास के ठिकानों को लिया गया टारगेट पर, उस पर करूंगी सवाल। आपको बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद एज ए डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शंकर प्रसाद सर, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी अब अपनाई जा रही है उन ठिकानों को टारगेट करने की जहां पर अभी तक इसराइल ये देख रहा था कि कैसे हमास कम्युनिकेट कर रहा था, कैसे ऑपरेट कर रहा था। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें दावा यह किया जा रहा है कि ये कम्युनिकेशन सेंटर है, दावा यह किया जा रहा है कि ये वो जगह है जहां से हमास अब ऑपरेट कर रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई खास स्ट्रैटेजी भी नजर नहीं आती। हमें यह समझना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है कि उनके होस्टेजेस को रिलीज कराना। क्या इस तरीके से वो रिलीज कर पाएंगे? देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि इस समय गाज़ा के अंदर पिछले एक डेढ़ दो महीने में इतनी तबाही हो चुकी है, उसके बाद भी हमास को राज़ी नहीं कर पा रहे हैं कि वो होस्टेजेस को रिलीज़ करे या किसी किस्म के उनके साथ एक बातचीत करने का एक मौका करे, एक सीज़ फायर करे। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट से क्या मिलेगा, क्या उनके भी कुछ इसमें होस्टेजेस मारे जाएंगे। इस समय ये देखना है कि होस्टेज को किस तरह से रिलीज कराया जाए। हमास को वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं। हमास को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, हमास तो कभी शायद ख़त्म होगा भी नहीं। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूसली गेटिंग सपोर्ट, उसको लगातार सपोर्ट मिल रही है। उधर से हिजबुल्ला लड़ रहा है, हिजबुल्ला ने इसराइल के कुछ लोग मार भी दिए हैं गोलान हाइट के ऊपर, उधर से हूती लड़ रहा है। तो इस समय मैं समझता हूँ कि देयर हैज़ टू बी अ फ्रेश लुक, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे किसी किस्म से ये लड़ाई एक सीज फायर पे पहुँचे, जहाँ से होस्टेजेस आ सकें और जहाँ से आगे नेगोशिएशंस हो सकें। हम ये समझते हैं कि एक बिल्डिंग को एक आईडी से अड़ा दिया, उन्होंने दो इराकी सोल्जर मार दिए, इन्होंने 77 मार दिए, वो तो फिगर 45-50,000 तो हो चुकी है। Exactly. तो इससे अब कोई आगे बात निकलने वाली नहीं है। तो आपका सवाल ये था इसकी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी क्या है। बावजूद उसके वो हिमास के लिए कैसे सेफ ठिकाना बने हुए। मनीष प्रसाद, आपको बता दें इस वक्त मनीष झा मेरे सहयोगी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी इस बारे में करूंगी बात। उससे पहले माइन की चपेट में आई रूसी टैंक की तस्वीर आपके सामने, जहां खार्किव में यूक्रेनी माइन का जाल और एंटी टैंक माइन से दो टैंक कैसे तबाह हुए, इस वॉर फ्रंट से आई ये तस्वीर आपके सामने। डोनेस्क में यूक्रेनी एयरबोर्न ब्रिगेड के हमले को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां रूस की आर्मड ग्रुप को निशाना बनाया गया है और खुराकोव में बढ़त बनाने का ये यूक्रेनी दावा। अब वो तस्वीर आपके सामने जहां डोनेस्क में रूस के आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर दिया गया और यूक्रेनी एंटी टैंक माइन की चपेट में ये रूसी टैंक कैसे आया, देखिए तस्वीर। धमाके के बाद रूसी आर्मर्ड व्हीकल में आग लगी। अब रूसी मिसाइल हमले की हैरान करने वाली तस्वीर आपके सामने होगी, जहां ब्लैक सी से यूक्रेन की ओर जाती एक मिसाइल नजर आई और ये देखिए तस्वीर, मछुआरों ने कैमरे में कैद की है हैरान करने वाली ये तस्वीर। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, ये चाहूंगी कि सात तस्वीरें भी ये दिखाएं और दोनों फ्रंट पर जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में क्या अपडेट? देखिए, अगर ये देखा जाए कि दोनों ही फ्रंट पे इसके बावजूद कि बयानबाजी ये होती रही कि हम नेगोशिएशन करेंगे, पीस टॉक की तमाम बातें हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ग्राउंड पर दोनों ही जगह पर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव अटैक हो रहे हैं और जिसकी वजह से अब
ना सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स बल्कि सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आप देखें कि गाजा में क्या हुआ, तो गाजा में लगातार इस IDF की तरफ से कहा गया कि आप गाजा सिटी खाली करें, और इस हफ्ते लगातार सुबह दोपहर शाम कहा जाता है कभी गाजा सिटी के इलाके को के लोगों को कि आप साउथ में चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनियन सिटी पर देखें तो रूस ने जो हमले किए उसके बाद से काफ़ी आलोचनाएं हो रही है कि हॉस्पिटल पर अटैक हुए हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमले कम नहीं हो रहे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इनमें ज़्यादा लीथल मिसाइल और दूसरे इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी राइट, बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और जो बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हिजबुल्ला के मुकाबले को लेकर जिस तरीके से इस वक्त बड़ी बात की जा रही है, गाजा में विध्वंस को लेकर खबर बड़ी है, हिजबुल्ला की जंगी तैयारी आखिर है क्या, बड़ा इनपुट आपके सामने होगा, जहां विध्वंसक रॉकेट हमलों से हराए नॉर्थ इजराइल को लेकर खबर आई है। अब हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट दागे हैं, नाफा जंक्शन के पास कार को टारगेट किया गया, रॉकेट हमले में कार पूरी तरीके से कैसे जलकर खाक हुई, तस्वीर भी आपके सामने होगी, दो इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, ये देखिए तस्वीर। तो ये उस वक्त की तस्वीर सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से इजरायली नागरिक को भी टारगेट किया गया और रॉकेट हमला था जिसमें कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। नाफा जंक्शन की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां उसके पास ही कार को टारगेट किया गया है और हिजबुल्ला ने यहां एक नहीं बल्कि 40 रॉकेट दागे हैं। तो विध्वंसक रॉकेट हमलों से कैसे नॉर्थ इजराइल इस वक्त थर्राया है उसकी ये तस्वीर आपके सामने। और अब यरूशलम में इसराइल के बड़े हमले को लेकर भी खबर है जहां अलक्सा इलाके को टारगेट किया गया है, भीषण आग की चपेट में पूरा इलाका कैसे आया, तस्वीर आपके सामने, अलक्सा मस्जिद के पास तबाह हुई कई घर, ज्यादातर घर तबाह हो गए, आग की ये लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी, जिस तरीके से पूरा इलाका भीषण आग की चपेट में आया, ये देखिए तस्वीर है आपके सामने यरूशलम में इसराइल के बड़े हमले को लेकर किए जा रहे दावे की, जहां घर नष्ट हो चुके हैं, अलक्सा इलाका टारगेट पर था, भीषण आग की चपेट में आया पूरा इलाका, कुछ देर पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है जहां यरूशलम में इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अलक्सा इलाके को हिट किया गया है, टारगेट किया गया है, ये बड़ी तबाही की अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीर है। अब उत्तरी इसराइल में भीषण रॉकेट हमले से कैसे हाहाकार मचा, एक और बड़ी खबर है गोलान हाइट्स में ताबड़तोड़ हमलों से फैली दहशत को लेकर, जहां हिजबुल्ला के हमलों से कई जगहों पर आग की तस्वीरें भी सामने आ रही है, हाईवे के नजदीक जिस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला के हमले जहां पर कई जगहों पर आग लगी और गोलान हाइट्स में ताबड़तोड़ हमलों को दिया गया अंजाम, हाईवे से सटे इलाके को टारगेट किया गया, हमले में कई गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें एक साथ आपके सामने जा देखिए इस फ्रंट पर किस तरीके से नाफा जंक्शन से रॉकेट हमलों के बाद पूरा इलाका जलकर खाक हुआ, वहीं अलक्सा इलाका जो कि पूरी तरीके से आग की चपेट में बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, वहीं उत्तरी इसराइल में रॉकेट हमलों से मचे हाहाकार के बाद तस्वीर हाईवे के नजदीक गाड़ियों में लगी आग की भी सामने आई है। अब दक्षिण लेबनन से हिजबुल्ला के भीषण हमले को लेकर खबर है जहां नॉर्थ इसराइल में लगातार विध्वंसक रॉकेट वर्षा हो रही है और चार जगहों पर एक साथ मिसाइल रॉकेट अटैक, जहां हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल में आग का तांडव, वहीं मैतुला और अलमनारा के IDF बेस को भी टारगेट किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमले के किए जा रहे हैं दावे और ये नॉर्थ इसराइल में लगातार विध्वंसक रॉकेट अटैक के बाद की तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि सवाल इस लिहाज से भी करना जरूरी होगा एक्सपर्ट्स के साथ कि आखिर किस तरीके से दक्षिण लेबनन से हिजबुल्ला भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है और ये चार जगहों पर एक साथ मिसाइल और रॉकेट अटैक की तस्वीर सामने आ रही है जिसमें इलाका बताया जा रहा है मैतुला अल मनारा IDF बेस को टारगेट किया गया है। तो हिजबुल्ला के हमलों से मची दहशत को लेकर तस्वीर आपके सामने, वहीं पश्चिमी अलील में भी मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया है, वो शेर होटल में रॉकेट अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, साथ ही मैतुला अल मनारा IDF बेस को टारगेट किया गया, गोलान हाइट्स इलाके में भीषण लगी आग की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि इसमें सामान्य ये है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर टारगेट को हिट करने के बाद
पूरी तरीके से हिजबुल्ला के हमलों से हाहाकार मच चुका है। जहां बड़ी खबर आपके सामने, 24 घंटे में हिजबुल्ला ने 40 रॉकेट दागे हैं। बड़ी खबर यह कि 8 अक्टूबर के बाद से 6,800 रॉकेट हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर यह कि 5 जुलाई को 200 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट अटैक हुए हैं। वहीं पश्चिम गलील, मेतुला और अलमनारा में मिसाइल हमले को लेकर खबर बड़ी है। उत्तरी इसराइल में हमलों से 710 बार भीषण आग को लेकर इनपुट है। भीषण आग से बॉर्डर से लगे इलाकों में जगह जगह तबाही। अब पिनाक सर, ये भी तो एक स्ट्रेटजिकल मूव है जिसमें हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान और हिजबुल्ला का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारी को प्रदर्शित करते हुए आज हिजबुल्ला ने भी एक बार फिर से हमलों को अंजाम देते हुए ये साबित कर दिया कि दोनों तरफ से तैयारी पूरी। मुझे लगता है कि ये हिजबुल्ला ने नया फ्रंट तो खोल ही दिया है। पहले से वहां वो रॉकेट दागते रहे नॉर्थ इसराइल में। मैं जब वहां था, मैंने सुबह जाके देखा भी था वहां रॉकेट लूटते हैं। वो जो क्लियर शिमोना है, जो जो नॉर्थ में जो कई जगह है, जो उनके बॉर्डर जो है लेबनान के साथ, तो वो वहां से दाग देते हैं क्योंकि उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, वहीं से आ जाता है। तो मुझे लगता है, और इसराइल तो रिटेलिएट करेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसराइल तो कई साल पहले वहां साउथ लेबनान में थोड़ा ऑक्यूपेशन भी करके रहा था कि इसी तरह से वो रॉकेट अटैक वाला बंद हो, वो नहीं हुआ, समझौता हुआ, वापस आ गए। अब ये तो खैर हिजबुल्ला तो खैर प्रॉक्सी है, एक लेबनान में उसका काफी दबदबा है और वो ईरान से उनको पूरा सहयोग मिलता है और सारे वेपन्स भी मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नया फ्रंट खुलने वाला है और इसराइल को फिर मेरे ख्याल में फिर लेबनान में घुस के मारना पड़ेगा और पता नहीं क्या होगा उसके बाद। या साउथ लेबनान, साउथ ऑफ द लिटनी रिवर बोलते हैं उसको, अगर ऑक्यूपाई कर ले तो फिर वहां से उसके उसके फिर पीछे से रॉकेट्स जो है वो इसराइल नहीं पहुंचती है। पर वो पॉलिसी भी फेल हो गई थी, तो वो दूसरे रॉकेट ले आए फिर वहां से भी मारने लगे। तो मुझे लगता है हिजबुल्ला के साथ तो अब जंग मतलब उसी के तहत ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां ये साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।